मेगा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है। दरअसल आज यानी सोमवार से देखा जा रहा है कि जीएसटी के दर में जो है 5% का इजाफा हुआ है और इसी चीज को लेकर अब दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है 5% का जीएसटी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद देखा जा रहा है कि महंगाई की कीमतों में फिर से एक बार बड़ा उछाल जो है वो सामने आया है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। जी हाँ, बीजेपी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वही बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही महंगाई दर बढ़ रही है इसको लेकर राहुल गांधी का कहना है कि दुनिया में सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसे चौपट करने का पूरी तरह से काम मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि देश में महंगाई से एक तरफ लोग परेशान है वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी से भी बुरा हाल हो रहा है लोगों का और ऐसे में जीएसटी के दरों में जिस तरह से ये बढ़ोतरी की गई है इससे अब लोगों की हालत और खराब होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस को ये एक मौका मिला है बीजेपी पर हमला करने का और फिर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को राहुल गांधी यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बीजेपी सरकार का पर्दाफाश एक बार फिर से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने किया है। अब ऐसे में देखना यही है कि राहुल गांधी जो सवाल यहां पर महंगाई को लेकर पूछ रहे हैं, जो सवाल यहां पर बेरोजगारी को लेकर पूछ रहे हैं, क्या इसके जवाब जो है बीजेपी पार्टी दे पाएगी, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि जनता भी अब महंगाई को लेकर काफी परेशान हो रही है। महंगाई दरों में लगातार इजाफा हो रहा है लेकिन लोगों की सैलरी जो है वहीं की वहीं अटकी हुई है, मतलब लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार पर लगातार जो है कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी को और इस महंगाई को लेकर कटाक्ष करते हुए गब्बर सिंह टैक्स से कहकर संबोधित किया है और अब देखना यही है कि राहुल गांधी के इस हमले के बाद बीजेपी इसका क्या जवाब देती है और अपने सफाई में जो है क्या पेशी करती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।